दोस्तों हाय हेलो गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस नए व्लॉग पे। वैसे दोस्तों आज व्लॉग वाली वीडियो नहीं होगी, कहने का मतलब मैं व्लॉग शूट नहीं करने वाला। बट दोस्तों आज मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ मैं पहले किस तरह से पेंटिंग वगैरह बनाता था, स्केच कैसा करता था और स्टार्टिंग के टाइम में मैं क्या क्या करता था वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। जब मैं स्केच वगैरह करता था तो कौन सा पेंसिल मैं यूज़ करता था और स्टार्टिंग के टाइम पे मैं कितना मेहनत करता था, कितना स्ट्रगल करता था वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। कहने का मतलब वीडियो तो नहीं है दोस्तों, बट मैं आप लोग को वो दिखा सकता हूँ जो कि मैंने पहले स्केच करके रखा हुआ है या फिर पेंटिंग बना के रखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक स्केच बुक दिखाऊँगा जो कि काफ़ी पुराना है और ये देखो दोस्तों मैंने इस पर किस तरह से स्केच वगैरह किया है। ये दोस्तों यहाँ पर डेट भी लिखा हुआ है 7/12/2014। उसी टाइम से दोस्तों मैं स्केच पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगा और आप देख सकते हैं किस तरह से मेरा स्केच उस टाइम था। तो आप दोस्तों इसे देख सकते हैं कैसा ये लग रहा है और इसी तरह से दोस्तों मैं काफ़ी सारा स्केच बनाते गया और आप देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम दोस्तों मैंने इस पर चारकोल यूज़ किया था और इधर जितना भी आपने स्केच देखा दोस्तों वो सिंपल पेंसिल का बनाया हुआ था। इस स्केच के बाद से दोस्तों मैंने शेडिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया था। तो आप देख सकते हैं ये मेरा खुद का पोर्ट्रेट है और ये भी देखो दोस्तों, ये दोस्तों मैंने वाटर कलर ट्राई किया था दोस्तों बट मुझसे नहीं हुआ। ये बिरसा मुंडा का पेंटिंग दोस्तों मैंने बनाया था। ये भी देखिए दोस्तों वाटर कलर से ही मैंने बनाया था बट दोस्तों ये दोस्तों मुझे मज़ा नहीं आया। तो आप देख सकते हैं ये स्केच जो है मेरा पुराना स्केच है, तो आप देख के बता सकते हैं दोस्तों। ये भी देखो दोस्तों मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट है और एक बच्चा का स्केच मैंने बनाया था साथ में। और ये देखो फिर से मैंने वाटर कलर ट्राई किया था बट मुझसे नहीं हुआ दोस्तों। और ये भी देखिए दोस्तों स्केच चारकोल से मैंने इसे पूरा कम्प्लीट शेडिंग किया है। और ये देखिए दोस्तों मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट जो कि अगस्त 2018 में मैंने इसे बनाया था। तो ये देख सकते हैं ये स्केच भी मैंने बनाया था दोस्तों किसी के कहने पर। स्केच भी दोस्तों किसी के कहने पर ही मैंने बनाया था। यही लड़की का स्केच दोस्तों ये भी है जो कि मैंने काफ़ी मेहनत किया था इसमें और शेडिंग देखो दोस्तों कितना शानदार लग रहा है। और ये स्केच भी देखो दोस्तों, ये मेरी फ्रेंड है और ये तो उसकी फ्रेंड है और आप शेडिंग सीखता था उस टाइम का ये बनाया हुआ है और इसमें दोस्तों वैसा कुछ नहीं है। और जो अभी आपने स्केच देखा दोस्तों वो मैंने इस पेंसिल से बनाया था जो कि 8 लाइन का है। आप भी दोस्तों अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको भी इसी से ट्राई करना चाहिए। ये एक पैकेट मेरे पास रखा हुआ था दोस्तों जो कि नया का नया है। और इसके बाद दोस्तों मैंने स्टार्ट कर दिया था आइवरी शीट। ये देखो दोस्तों ये आइवरी शीट है जो कि स्केच के लिए काफ़ी शानदार है, जो कि बिगनर हैं उनके लिए अच्छा है। जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा दोस्तों तो ये आपको मज़ा नहीं आएगा। जो भी आइवरी शीट में मैंने स्केच किया था वो इस डिस्प्ले बुक पे है तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों ये आइवरी शीट ही है जो कि मैंने डिस्प्ले बुक पे रखा हुआ है और ये देख सकते हैं इसका जो रिजल्ट है वो कैसा है। ये पुराना स्केच है दोस्तों, आप देखते जाइए आगे। अब ये स्केच भी आइवरी पर भी है दोस्तों, ये सिंपली चार्ट पेपर पे बना हुआ है। इसका जो कलर है आप देख सकते हैं वाइट लग रहा होगा और काफ़ी पतला भी है। ये भी दोस्तों वाइट चार्ट पेपर जो आता है उसी पे मैंने इसे बनाया था। और ये दोस्तों आइवरी शीट है और ये भी देखिए दोस्तों आइवरी शीट। और ये भी देखो दोस्तों आइवरी शीट ही है। ये भी दोस्तों आइवरी शीट ही है और ये भी दोस्तों आइवरी शीट है। ये भी दोस्तों आइवरी शीट है। तो आप यहाँ तक दोस्तों आइवरी शीट ही आपको मिलेगा देखने को। अब ये भी दोस्तों आइवरी शीट ही है, जो मैंने कलर पेंसिल से बनाया था ये भी आइवरी शीट ही है। तो ये आप यहाँ पर भी देखें। अब यहाँ से दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कुछ अलग डिफरेंट, जो स्मूथ फेस पे जो आपको टेक्सचर दिख रहा है वो दोस्तों आइवरी शीट नहीं है। और ये तो दोस्तों ऑयल शीट है, इसको भी मैं आपको दिखाऊँगा वो पेज कैसा होता है। तो ये आप देख सकते हैं कितना स्मूथ लग रहा है, इसका भी आपको शीट में दिखाऊंगा। और ये भी दोस्तों अलग पेपर है जो कि मैं आगे दिखाऊंगा आपको। ये पेपर दोस्तों दूसरा है और ये भी अलग मटेरियल है। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार ये स्केच हुआ है और इसमें जो ब्लेंडिंग हुआ है दोस्तों वो भी आप देख सकते हैं कितना शानदार है। और ये ऑयल शीट है दोस्तों, ये भी ऑयल शीट ही है जो कि मेरे चैनल पे आप चेक करोगे तो इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी।
और दोस्तों मैंने जो स्केच बना रखा है, स्मूथ फिनिशिंग देखा आपने, ये सब दोस्तों मैंने आर्ट लाइन के पेंसिल से नहीं बनाया है, वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कौन सी पेंसिल से मैंने बनाया था। ये स्केच दोस्तों आप देख रहे हैं, उसे दोस्तों इसके जो बालों पे कलर किया हुआ है वो बियानियों का चारकोल पेंसिल मैंने यूज़ किया है। आप देख सकते हैं कितना मोटा सा है और काफ़ी जो है अच्छा है दोस्तों, ये हाथ पे लगने लगता है, आप देख सकते हैं ब्लैक हो जा रहा है, ये मतलब काफ़ी स्मूथ है। कहने का मतलब दोस्तों ये डार्क पोर्शन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके स्किन पे दोस्तों मैंने जो ब्लेंड किया है, जो भी आप पेंसिल का शेडिंग देख रहे हैं, वो दोस्तों ये टोम्बो मोनो का हाईएस्ट क्वालिटी वाला पेंसिल है, जो कि काफ़ी शानदार है दोस्तों, और मैंने ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है, ये नया का नया पड़ा हुआ है दोस्तों, और ये काफ़ी चलता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा चलता है। इसमें 12 सेट आते हैं दोस्तों पेंसिल के, और इसका प्राइस मुझे पड़ा था दोस्तों 1000 रुपीज़। तो ये इसी पेंसिल का शेडिंग है दोस्तों, और मैं दिखाता हूँ आपको इस स्केच पे मैंने ये पेंसिल का यूज़ किया है दोस्तों। ये भी नया का नया ही है, ज़्यादा यूज भी नहीं हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये भी दोस्तों काफ़ी चलता है। और ये दोस्तों दूसरा टेक्सचर वाला पेपर है जो इसमें ये स्केच बना हुआ है, ये पेंसिल मैंने इस पर यूज़ किया है, और इस पर भी दोस्तों ये स्मूथ पेपर है, ये टेक्सचर वाला पेपर है। ये तो दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा लगा था जिस टाइम मैंने बाय किया था, ये स्टेडलर का पेंसिल है दोस्तों, तो हाईएस्ट डार्क जो है वो 8B आता है, जो कि उसके हिसाब से ये कम है। और मैकेनिकल पेंसिल दोस्तों मैं यूज करता था, जो कि पतले पतले जैसे आंखों पे आईलेसिस बनाना हुआ, उसके लिए दोस्तों मैं ये मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करता था, जो कि आप देख सकते हैं कितना शानदार है दोस्तों, टोम्बो मोनो का ही है, जो कि काफ़ी कॉस्टली भी है, मतलब 600 रुपये मुझे पड़ा था इसको दोस्तों बाय करने में, ये ऑनलाइन मैंने बाय कर लिया था। और उसके बाद दोस्तों ये इरेज़र मैं यूज़ करता था, जो कि आप पतला पतला वाइट आप देख रहे हैं, ये इरेज मैंने इसी से किया है। और ये भी देख सकते हैं दोस्तों, ये भी मैकेनिकल पेंसिल है दोस्तों, ये काफ़ी पतली है। और दोस्तों मैं आपको एक इरेज़र दिखा देता हूँ, जो कि डर्बेंट ब्रांड का है, जो कि आप देख सकते हैं कैसा ये घूमता है, जैसे कि मुझे यहाँ पे इरेज करना है तो मैं ऐसे घुमा के ऐसा करता था, तो ये भी काफ़ी शानदार है, बट दोस्तों ये उतना खास नहीं है। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है जेली रोल पेन, जो कि ये आप वाइट सा देख रहे हैं आँखों पे दोस्तों, मैंने इसी से किया है, जो कि काफ़ी शानदार है, इसके में आपको ये हेल्प करता है। और मैकेनिकल पेंसिल का लीड है दोस्तों, ये पेंटल ब्रांड का जो है, ये काफ़ी शानदार है, कहने का मतलब ये अच्छा है, काफ़ी डार्क है। और ये दोस्तों टोम्बो मोनो का ही है, जो कि ये भी काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद दोस्तों मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का भी यूज़ करता था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों ब्लेंडिंग स्टम्प का भी मैंने यूज़ किया है, और ये दोस्तों मेरे लिए इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि आपको जब भी शेडिंग करना होगा तो आप इस टाइप का ब्रश यूज़ करें, जो कि काफ़ी अच्छा होता है, ये फिल्बर्ट ब्रश है दोस्तों, और आगे से राउंड सा है, और ये ब्लेंडिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और वैसे दोस्तों चारकोल पेंसिल ये कैमल ब्रांड का भी काफ़ी अच्छा होता है, प्ले बुक पर मैंने रखा है, ये दोस्तों आइवरी पेपर है, और आइवरी पेपर पर ये बना हुआ है, ये काफ़ी शानदार है। और इसकी वीडियो दोस्तों आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और ये पेंटिंग भी दोस्तों मैंने ऑयल सीट पर बनाया हुआ है, वो भी मैं ऑयल सीट भी आपको दिखाऊँगा कैसा उसका टेक्स्चर है। और ये देखो दोस्तों, ये भी आइवरी पेपर ही है, और ये भी ऑयल सीट पे ही बना हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं आप कितना फिनिशिंग है ये। और ये दोस्तों मैंने कैमल ब्रांड के ऑयल पेंट से बनाया है, और ये दोस्तों है सॉफ्ट पेस्टल, उसी से मैंने इसे बनाया है, तो आप ये देख सकते हैं इन्हीं कलर का मैंने इस पर यूज़ किया है दोस्तों, और ऐसा रिजल्ट इसका आया है। वैसे दोस्तों मुझे बनाने में काफ़ी मज़ा आया था, बट दोस्तों काफ़ी टाइम लग जाता है दोस्तों इस पर बनाने में, तो इस तरह का रिजल्ट आप इससे पा सकते हैं। तो ये है दोस्तों ऑयल सीट, जो कि ब्रूस्टर ब्रांड का है, आर्टिस्ट ऑयल पेंटिंग पेपर, जो कि काफ़ी अच्छा इस पर रिजल्ट आता है दोस्तों, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। और ये दोस्तों वाटर कलर पेपर है, आप देख सकते हैं, मैंने वाटर कलर पेंटिंग के लिए मैंने इसे मंगाया था, बट मैंने इस पर ट्राई ही नहीं किया दोस्तों, ये पूरा नया का नया पड़ा हुआ है। और ब्रूस्टर पेपर मैंने काफ़ी यूज़ किया है दोस्तों, जो भी मैंने स्केच आपको दिखाया था, जो कि टेक्सचर वाला स्केच मैंने जो दिखाया था दोस्तों, वो इसी पेपर पे बना हुआ है, इस पर टेक्सचर सा बना हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा है स्केच करने के लिए। स्मूथ स्केच आपने देखा था,
वो दोस्तों ये ब्रूस्टर ब्रांड का ही है, ब्रिस्टल पेपर, ब्रिस्टल हैवी वेट अल्ट्रा स्मूथ। ये दोस्तों काफ़ी शानदार स्केच इसमें बनता है। जिस स्केच पे दोस्तों आपने स्मूथ शेडिंग देखा, वो स्केच में दोस्तों इसी पेपर पे मैंने बनाया है। और ये स्केच दोस्तों ब्रूस्टर ब्रांड के मीडियम सरफेस पे मैंने बनाया है, हैवी वेट मीडियम सरफेस पे मैंने बनाया था। और आप इसमें और इसमें दो पेपर बचे हुए हैं दोस्तों, काफ़ी शानदार लगता है दोस्तों इस पे स्केच बनाने में, शेडिंग भी दोस्तों एकदम अच्छे से हो जाता है। और अब दिखाता हूँ दोस्तों मैं ऑयल पेंट आपको, जो कि मैं यूज़ करता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप ऑयल कलर दोस्तों, जो कि आपने मेरे वीडियो पे देखा होगा। तो यही पेंट से दोस्तों मैं अपने ऑयल पेंटिंग्स बनाता हूँ। आप देख सकते हैं आर्टिस्ट ऑयल कलर है ये दोस्तों, मुझे 400 रुपये का पड़ा था। मैंने बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए हैं। और एक ब्रांड का दोस्तों मेरे पास ऑयल पेंट है, जो कि विंसन एंड न्यूटन का है। इससे ज़्यादा मुझे दोस्तों ये कैमल ब्रांड का ही लगा था। और ये दोस्तों इस पे आपको जो ऑयल होता है वो बहुत कम होता है इसमें, इसलिए दोस्तों ये सूखने पर इस पे जो शाइनिंग होता है वो नहीं आता है। और ये दोस्तों टोम्बो मोनो जीरो इरेजर है, काफ़ी शानदार इरेज होता है इससे, और आप इसे डिटेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर भी दोस्तों आपको यूज़ करना है वो इससे काफ़ी शानदार इरेज होता है। और ये दोस्तों ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ। और इस कलर से बनाया हुआ पेंटिंग भी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों कितना शानदार इसका रिजल्ट है, और काफ़ी शानदार लगता है दोस्तों ये पेंटिंग। कहने का मतलब आप कैमरे पे देख रहे हो तो ऐसा लग रहा होगा, बट दोस्तों ये काफ़ी शानदार लगता है। वैसे दोस्तों जो फ़ोन है मेरा उस पर एकदम रियल कलर दिखाता है, आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार ये, मतलब ब्लेंड भी कितना अच्छा हुआ है दोस्तों। और पूरे पेंटिंग पे दोस्तों पूरा शाइनिंग है। और थर्माकोल के लिए दोस्तों मैं इस एक्रिलिक कलर का यूज़ करता हूँ, आप देख सकते हैं फेविक्रिल का एक्रिलिक कलर है, जो कि थर्माकोल के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छा ये पेंट है। और ब्रश दोस्तों मैं ऑयल पेंटिंग के लिए ये यूज़ करता हूँ, ब्रूस्टर ब्रांड का ये फिल्बर्ट ब्रश, जो ये आपको राउंड शेप का दिख रहा होगा ये फिल्बर्ट ब्रश है। और इसमें ब्राइट ब्रश भी है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये फ्लैट है एकदम। और दोस्तों मेरे पास एक कॉस्टली ब्रश है, जो कि ब्रूस्टर का है, ग्रीन गोल्ड। ये दोस्तों 190 रुपये मुझे पड़ा है, और ये दोस्तों काफ़ी शानदार होता है पेंटिंग के लिए। रिसेंटली जितना भी आप पेंटिंग देख रहे हो दोस्तों, इसी से मैंने कलर किया है। ब्रूस्टर ब्रांड का ये भी ब्रश है दोस्तों, इसका जो हॉग हेयर है ये काफ़ी शानदार है दोस्तों, एकदम स्मूथ है। ये दोस्तों मुझे 120 रुपीज़ का पड़ा है, जो कि काफ़ी शानदार लगता है। और राइटिंग के लिए दोस्तों मैं इस ब्रश का यूज़ करता हूँ, जो कि काफ़ी शानदार है, जो कि नेचुरल हेयर है। और ये ब्रश दोस्तों साइन बोर्ड के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और वाटर कलर के लिए दोस्तों मैंने इस पूरा सेट खरीद लिया था, जो कि कैमलिन ब्रांड का है। ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा होता है वाटर कलर के लिए, बट मैंने दोस्तों इसे ऑयल पेंट में भी यूज़ किया है, जो कि अच्छा चलता है। और ये दोस्तों मेरे पास एक पड़ा हुआ है ऑयल सीट है, इसमें 4 पीस सभी भी बचे हुए हैं दोस्तों। इस पर मैं पेंटिंग बनाने वाला हूँ, जो कि आप लोग को आगे देखने को मिलेगा। और अब दिखाता हूँ मैं दोस्तों जो कि मैं प्रैक्टिस करता था। तो आप देख सकते हैं जो पेन मैंने आप लोगों को दिखाया था, बॉल पेन, वो दोस्तों इसी से मैंने, उसी पेन से दोस्तों इसे मैंने बनाया है। आप देख सकते हैं किस तरह मैं स्केच करता था, मतलब फ्री हैंड स्केच है दोस्तों ये सब, आप देख सकते हैं। आपको भी इस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए। कोई भी आप फोटो को देखो दोस्तों, और उसका ढांचा आप खुद से तैयार करो। तो आप देख सकते हैं मैंने कैसा किया है, आप देख सकते हैं मैंने दोस्तों ये सब अपने माइंड से ही किया है, मतलब इस पर मैंने कोई रेफरेंस मैंने यूज़ नहीं किया है। आप देख सकते हैं कितना शानदार ये लग रहा है। और प्रैक्टिस के लिए दोस्तों आप इसी तरह से राउंड राउंड जो भी मैंने बना रखा है वो प्रैक्टिस है दोस्तों, आपको ये करना पड़ेगा। देख सकते हैं दोस्तों ये वही बॉल पेन का बनाया हुआ है, जो कि ऐसा रिजल्ट आता है। और ये भी देखें दोस्तों कितना शानदार लग रहा है। और ये दोस्तों जितना भी आपको राउंड राउंड सा लग रहा है, ये दोस्तों मैंने प्रैक्टिस के लिए किया है। आपको भी अगर बिगनर हैं तो आपको भी ये सब करना पड़ेगा। ये भी देखो दोस्तों कितना शानदार मैंने इस पर स्केच कर रखा है। ये देखो, ये दोस्तों मैंने अपलोड किया हुआ था अपने फेसबुक अकाउंट पर, आप देख सकते हैं। जो भी मैं स्केच वगैरह बनाता था दोस्तों मैं अपलोड कर देता था, तो आप ये देख सकते हैं। दूर से आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, तो आप ये देख सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आपको भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ताकि आपका ड्राइंग स्किल जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो। और ये भी देखो दोस्तों,
ये भी एक मेरा स्केच बुक है छोटा सा, जो कि मैं काफ़ी प्रैक्टिस करता था। आप देख सकते हैं इसमें भी कितना शानदार रिजल्ट आया है, और आप देख सकते हैं पैरों का मैंने कितना स्केच बनाया है, और वो प्रैक्टिस है दोस्तों। आप इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसमें हैचिंग हुआ है, और ये प्रैक्टिस है दोस्तों। आपको भी इसी तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए हैचिंग के लिए दोस्तों। इस स्केच बुक पे मैं यूज़ करता था, तो आप देख सकते हैं कितना शानदार मैंने स्केच इस पर हैचिंग किया है, और ये भी देखो दोस्तों कितना शानदार लग रहा है। आपको भी दोस्तों इसी तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए, और इसमें दोस्तों वैसा कोई ज़्यादा स्केच नहीं है। कितना शानदार मैं इस पर प्रैक्टिस करता था। आपको भी दोस्तों इसी तरह से प्रैक्टिस करना है, और आप देख सकते हैं कितना शानदार ये स्केच लग रहा है, और कितना शानदार इसमें सिर्फ दोस्तों इसमें एक पेंसिल से मैंने सिर्फ दोस्तों इसमें मैंने एक पेंसिल का यूज़ किया है, वो भी मैकेनिकल पेंसिल का, और कितना शानदार इसका रिजल्ट है आप देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस बुक है दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इस पर स्केच बना रखा है। तो आपको भी इसी तरह से लगातार प्रैक्टिस करना है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना शानदार ये स्केच है। वैसे दोस्तों मैं स्केच वाली वीडियो जो है अपलोड नहीं करता हूँ, बट पेंटिंग में जो दोस्तों मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। ये भी हैचिंग है दोस्तों, आप ये भी देख सकते हैं हैचिंग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने दोस्तों आपको एक अमिताभ बच्चन वाली पेंटिंग जो दिखाई थी, एक्रेलिक पेंटिंग, इसी का सेम स्केच है दोस्तों। और ये मैंने सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया था, बट इसमें मैंने अधूरा छोड़ दिया, और इसमें वैसे और कुछ नहीं है। ये देखो दोस्तों मैंने सलमान खान का भी स्केच बनाया था, बट दोस्तों ये भी अधूरा मैंने छोड़ दिया। आप देख सकते हैं इसमें भी मैंने बॉल पेन का यूज़ किया है। तो इसी तरह से दोस्तों आपको भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और एक स्केच बुक है दोस्तों, मैं उसे भी दिखाता हूँ आपको, जो कि काफ़ी छोटा है, और इसे मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ, और इसका रिजल्ट दोस्तों ऐसा है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसे बनाया था। तो इसी तरह से दोस्तों मैं प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ, और आपको भी करना चाहिए। ये देखो दोस्तों मोदी जी का मैंने स्केच बनाया था, बट दोस्तों ये उतना खास नहीं लगा। ये प्रैक्टिस बुक है दोस्तों, इसमें मैं प्रैक्टिस वगैरह करता था। विराट कोहली का भी मैंने बनाया था, बट इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। और ये कलर पेंसिल का मैंने यूज़ किया था, इससे भी अच्छा रिजल्ट आता है दोस्तों अगर इस पर मेहनत किया जाए तो, और ऐसा कुछ इस पर नहीं है। तो यही था दोस्तों मेरे इतने सालों का मेहनत, और जो भी आपने कलेक्शन देखा दोस्तों वो आपको 2014 के बाद से ही मैंने इसे बाय करना स्टार्ट कर दिया था, और अभी तक दोस्तों मैं इस पर वर्क कर ही रहा हूँ। और दोस्तों मैं लगातार जो पेंटिंग बना रहा हूँ वो आप देख सकते हैं, पीछे जितने भी लगे हुए हैं आप इधर भी देख सकते हैं, और मेरे बैकग्राउंड में भी मैंने लगा के रखा है दोस्तों, क्योंकि आप लोग को दिखाना था। तो पीछे जो बड़ी वाली पेंटिंग दिख रही है दोस्तों वो थर्माकोल पे बनी हुई है, और वो पेंटिंग दोस्तों ये वाले कलर से मैंने बनाया है, जो कि मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा है, फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर। और पीछे भी दोस्तों एक पेंटिंग रखी हुई है, वो भी दोस्तों इसी पेंट से बना हुआ है। और आप दोस्तों इसी तरह से अगर लगातार मेहनत करते हो तो आप लोग को भी ऐसा एक दिन रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर दोस्तों मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आने वाले दिनों में दोस्तों मैं ऑनलाइन क्लास टाइप का वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, और आप लोग मेरे द्वारा बताए गए ट्रिक से दोस्तों आप लोग अच्छी से अच्छी पेंटिंग बना पाओगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। गाइस इस वीडियो को करता हूँ यहीं पर एंड, कल फिर मिलूंगा आपसे एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।